आइए बच्चों देखिए, देखिए फंक्शन आपके पास दिया गया है 1 प्लस साइन पाई बाई टू एक्स, पाई एक्स बाई टू है, फॉर माइनस इन्फिनिटी टू 1, 1 से लेके 3 के लिए दिया गया है ए एक्स प्लस बी, एंड 6 10 पाई एक्स बाई 12 कब दिया गया है, 3x की वैल्यू 3 टू 6, मतलब x की वैल्यू जब 3 से 6 वेरी होती तो ये अप्लाई होगा, 1 से लेके 3 के लिए अप्लाई होगा, और माइनस इन्फिनिटी से 1 के लिए ये अप्लाई होगा। क्या कह रहा है, इट इज़ कंटिन्यूअस इन माइनस इन्फिनिटी टू 6। ओके, ये जो फंक्शन है इधर पे जान दो माइनस इन्फिनिटी ओपन, और यहाँ पे आ करके क्या होगा 6। ओके, ये फंक्शन इतने पे कंटिन्यूअस है, ये माइनस इन्फिनिटी उधर जा रहा है और यहाँ पे आ रहा है 6, इस पे कंटिन्यूअस कहता है ए और बी की वैल्यू फाइंड करो। अब देखो बच्चों ये चीज़ देखा करो कि ये फंक्शन जो है कहाँ पर अपना नेचर चेंज कर रहा है। तो देखो 1 के पीछे फंक्शन ये है और 1 के आगे फंक्शन ये है, क्यों, बिकॉज एक्स यहाँ पे 1 से छोटा है, इस लाइन को देखो, और यहाँ पे x 1 से बड़ा है, तो यार एक अपना टेस्टिंग पॉइंट बनेगा 1, तो 1 और दूसरा टेस्टिंग पॉइंट बन रहा है 3, तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इस पूरे इंटरवल में ये कंटिन्यूअस है। अरे भाई इंटरवल में अगर कंटिन्यूअस है मतलब इन पॉइंट पे भी तो कंटिन्यूअस होगा, एग्जैक्टली इन पॉइंट पे भी इसको कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। अब आइए देखते हैं तो कंटिन्यूटी का रूल क्या कहता है। कंटिन्यूटी कहता है, और मैं लिखूंगा सिंस, यहाँ लिखता हूँ, सिंस एफ एक्स अपना जो फंक्शन है इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, पहला ऑब्जर्वेशन मैं लेके चलता हूँ एक्स इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अगर एक्स इक्वल टू 1 पर कोई चीज़ कंटिन्यूअस है इसका मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इज इक्वल टू उस पॉइंट पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट मतलब 1 प्लस एच इक्वल टू उस पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट। बहुत डिटेल में पढ़ाया है मैंने, है ना, कि याद करो मैंने पढ़ाया था कैसे, कि हम पूछेंगे मुस्कान से कि मुस्कान के पीछे वाला स्टूडेंट क्यों, मुस्कान आई थी, आगे वाले से पूछेंगे आई थी, अगर सब बोल देंगे हाँ और मुस्कान भी बोल देगी हाँ सर मैं आई थी, तो देन इट विल बी कंटिन्यूअस। सो कंटिन्यूअस होने का कंसेप्ट है कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू उस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके डन, तो यार उस पॉइंट पर अब हमें तीनों निकालने हैं। अब उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कौन देगा, ये देगा इक्वल टू 1। सो एफ ऑफ 1 निकाल लूँ मैं, एफ ऑफ 1 कौन देगा, ये देगा, क्यों देगा, क्योंकि देखो 1 के नीचे इक्वालिटी लगी है भाई, आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं बना दिया, 1 के नीचे इक्वालिटी लगी, लेस देन और इक्वल टू है, लेस भी है इक्वल भी है, तो चलो मैंने 1 पे निकाला, तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 प्लस साइन पाई एक्स बाई टू, तो एक्स की वैल्यू तो 1 है तो साइन पाई बाई टू हो गया, क्योंकि x की वैल्यू 1 रख दी, लियो रख दी तुम्हारे लिए भाई, तो क्या हो गया 1 प्लस साइन 90, साइन 90 कितना होता 1, मतलब वैल्यू कितनी आ गई फंक्शन की 2 आ गई, चलो ये आ गई 2। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब f ऑफ 1 माइनस h, 1 के पीछे वैल्यू क्या होता है, तरीका बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट का, लिमिट h टेंड्स टू 0, ओके x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू, बट यहाँ 1 के पीछे निकालना है तो 1 माइनस 1 के पीछे निकालना है। देखो बच्चों 1 के पीछे मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, अब 1 के पीछे कौन सा फंक्शन ऑपरेट होगा, यार यही वाला तो होगा, तो फंक्शन रख दो 1 प्लस साइन पाई एक्स बाई टू, ये आ गया यार फंक्शन अपना साइन पाई एक्स बाई टू। ओके, अब भूल गए होगे आप लोग यदि काफ़ी दिनों से तैयारी नहीं करे, मैं आपको याद दिलाता हूँ, x की वैल्यू 1 से कम लेनी है तो लेट x की वैल्यू 1 से कम x इक्वल टू 1 माइनस h, अगर x दौड़ लगाएगा 1 की तरफ तो h कहाँ जाएगा, 0 की तरफ, अगर x 1 होना चाहता है सो x अगर 1 की तरफ जाएगा तो h 0 की तरफ, समथिंग मैसेज आया भाई, इक्वल्स टू 2 बी इक्वल्स टू 0, अरे गजब आपने बहुत तेजी से कर दिया भाई इसका सॉल्यूशन, चलिए करते हैं सॉल्व, ए इक्वल्स टू 2 बी इक्वल्स टू 0 ऑप्शन में है, लग रहा मुझे आंसर भी यही है, बट इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, देखिए सिस्टमेटिकली अगर नंबर पाने के लिए, बट चलो करते हैं इसको सॉल्व, 1 प्लस 1 2 आ गया, कहाँ था, पुट करना है, चलो पुट करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन, देखिए पाई बाई 2 और ब्रैकेट में कितना है भाई 1 माइनस h, 1 माइनस एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है ना,
वन प्लस साइन पाई बाई टू माइनस पाई एच बाई टू, ऐसा आ जाएगा। पाई का मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई टू माइनस पाई एच बाई टू, ठीक है। इसको क्रॉप करता हूँ मैं, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, इतना आ चुका है। वैल्यू पुट कीजिए एच की, अब नहीं 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 पहले वैल्यू नहीं पुट कीजिए, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, वन प्लस साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, कॉस पाई एच बाई टू, ओके। तो यहाँ पर कितना आ गया, एच की वैल्यू जीरो पुट कर दो तो कॉस जीरो कितना होता है, वन, तो वन प्लस वन, लिखो वन पे तो लिमिट ऑपरेट होगी नहीं, और कॉस एच की वैल्यू जीरो, तो कॉस जीरो इक्वल टू वन, मतलब वन प्लस वन इक्वल टू टू। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी टू आ चुकी, फंक्शन भी टू आ चुकी है। अब हमें निकालना है राइट हैंड लिमिट, जिसको बोलते हैं एफ ऑफ वन प्लस एच, दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू वन के आगे फंक्शन की वैल्यू। चलो फंक्शन की वैल्यू वन के आगे देखते हैं कौन सा प्रोवाइड करेगा। देखिए वन के आगे फंक्शन कौन प्रोवाइड करेगा, ए एक्स प्लस बी करेगा ना, तो वन के आगे जो हमें फंक्शन प्रोवाइड करेगा वो करेगा ए एक्स प्लस बी। तो हम वन के आगे फंक्शन ए एक्स प्लस बी पुट करते हैं, ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है, तो लेट x इक्वल्स टू वन प्लस एच, तो x की जगह वन प्लस एच डालो, और अगर x वन प्लस एच की तरफ जाएगा तो h को कहाँ जाना होगा, जीरो। सो a इंटू वन प्लस एच प्लस बी, सो ये कितना आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया a प्लस ए एच प्लस बी, एच की वैल्यू जीरो डाल दोगे तो बच्चों आ गया हमारे पास a प्लस बी। तो हमारे पास जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट हमने पढ़ा है कि वन पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू वन माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू, सॉरी मतलब लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट वन प्लस एच। तो वन पर फंक्शन की वैल्यू आई है टू, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आई है टू, और वन प्लस एच आया है ए प्लस बी। तो बच्चों हमारे पास जो रिलेशन आया वो आया ए प्लस बी इक्वल टू कितना, टू, ये पहला रिलेशन आया। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये तो आ गया टू पर रिलेशन। अब देखो एक और चीज़, क्योंकि थ्री भी आता है तो थ्री पर भी ये कंटिन्यूअस होगा, तो थ्री पर लेफ्ट ये देगा और थ्री पर राइट ये देगा। अब मैं यार क्योंकि ऑब्जेक्टिव आना अपन को तो मैं इतनी मेहनत नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली थ्री पर लेफ्ट निकालता हूँ। तो लेफ्ट वाले फंक्शन में डायरेक्टली थ्री रख दो तो क्या आएगा, थ्री ए प्लस बी, थ्री ए प्लस बी। तो एफ ऑफ थ्री जो आएगा वो मेरे पास आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब एफ ऑफ थ्री माइनस एच। तो मैं डायरेक्ट अब कर रहा हूँ, सो एफ ऑफ थ्री माइनस एच इक्वल टू कितना आया, डायरेक्टली पुट कर दिया मैंने 3a प्लस बी, और f ऑफ 3 कितना आएगा देखो जरा, f ऑफ 3 कौन देगा अपन को, ऊपर वाला फंक्शन देगा यकीनन, नीचे वाला f ऑफ 3, ये देखो 3 के इक्वल है, मतलब f ऑफ 3 इक्वल टू 6 tan पाई इंटू 3, क्योंकि x पाई बाई 12 है, तो x की जगह रखेंगे हम कितना 3, 6 tan 3 पाई बाई 12। तो f3 जो आएगा हमारे पास वो आएगा f ऑफ 3 इक्वल टू 6 tan 3 π/12, ओके। तो ये पाई बाई 4 हो गया, और सब जानते हो पाई बाई 4 कितना होता है, 1 होता है, तो कितना हो गया ये 6 हो गया, 6 1 जा 6 हो गया। चलिए राइट हैंड लिमिट निकालोगे, इसी से निकालोगे वही आ जाएगी, तो फिर वो कोई फालतू, अब यार ऑब्जेक्टिव है तो मन ही नहीं होता इतना सारा करने का। तो f ऑफ 3 इक्वल टू 6 आ गई, चलो वही रूल लगा दो, 3 पर कंटिन्यूस है मतलब लेफ्ट हैंड वैल्यू इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू राइट हैंड वैल्यू एफ ऑफ थ्री प्लस एच। अगर देखा जाए एफ ऑफ थ्री प्लस एच 6 आया है, एफ ऑफ थ्री भी 6 आया है, और ये आया है 3a प्लस बी। तो ऐसा करने पर जो इक्वेशन हमारे पास कंबाइंडली आया वो आया 3a प्लस बी इक्वल टू 6, और इसके पहले जो इक्वेशन आया था वो हमारे पास कितना आया था, आई थिंक ए प्लस बी इक्वल टू 2 के, ए प्लस बी इक्वल टू 2, ए प्लस बी इक्वल्स टू 2। चलिए अब माइनस कीजिए, माइनस माइनस माइनस, बी से बी कैंसिल, 3a में से a गए तो भैया बना 2a इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू आ गई 2, और a प्लस बी इक्वल टू 2 है तो b इक्वल टू 2 माइनस a, और a तो 2 आया है ना, तो 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो आई थिंक बेटा आमिन आपने आंसर सही दिया ना, 2, 0, यस बिल्कुल सही, वेरी गुड बेटा, बहुत जल्दी निकाल लिया, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आप ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको कितना नॉलेज है, आपको आंसर निकालना आना चाहिए, ये भाई कड़वी सच्चाई है। अब आप कहोगे सर हम इतना टाइम लगा रहे हैं, इन्होंने इतना जल्दी कैसे निकाल लिया, आमिन ने इतना जल्दी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लिया, है ना, आप सर ये भी बताइए हमें। देखिए तो कुछ उन्होंने क्या किया है,
मन ही मन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब मैं जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रहा हूँ आपको। देखिए, यदि अगर आप बात करें जल्दी से सॉल्व करने की, तो इस क्वेश्चन को यदि जल्दी से सॉल्व करना है तो मैं उसका मेथड बता रहा हूँ आपको। करना यही है, बस थोड़ा सा स्पीड आपको लानी है। कैसे लाओगे वो मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड रुको। ये क्वेश्चन मैंने पकड़ लिया, ठीक है ना। चलिए, ये देखिए क्वेश्चन ले लिया है। अब जल्दी से इसका आंसर लाना, तो कैसे लाओगे? मन में सोचो, मन में सोचोगे, क्या सोचोगे भाई? कि ये वन पे क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। पहले ही सोच लिया, वन पे क्या होगा? कंटिन्यूअस, मतलब वन पर फंक्शन की वैल्यू जो होगी वन पर राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी। तो यहां से वन पर फंक्शन की वैल्यू देखो कितनी है, वन प्लस साइन पाई बाई टू, यानी कि वन साइन पाई बाई टू, और यहां पे वन रख दो तो वन प्लस साइन पाई बाई टू कितना हो गया? टू हो गया। तो यहां पे वैल्यू हो गई, ऊपर से हो गई वन पर टू, और नीचे से कितनी आएगी वन पर वैल्यू? ए इंटू वन प्लस बी, मतलब ए प्लस बी। तो एक इक्वेशन बन गया, ए प्लस बी इक्वल टू टू। अब चलो इस पे आ जाओ, थ्री पे, तो थ्री पुट कर दो इस पे, तो कितना आ गया इक्वेशन? थ्री ए प्लस बी। तो यहाँ आ गया थ्री ए प्लस बी, और इस पे राइट हैंड लिमिट निकलेगी थ्री पर, तो थ्री सिक्स टेन पाई इंटू थ्री बाई ट्वेल्व, मतलब पाई बाई फोर, यान मतलब सिक्स बना। बस यही किया आमिन ने सब रूल वूल छोड़ो, सीधे उन्होंने दो पॉइंट देखे कि कहाँ पर लेफ्ट इक्वल, कहाँ पर राइट इक्वल, और दोनों को सॉल्व कर लिया, डन ख़त्म। तो ये थोड़ी सी तेज वाली दिमाग लगा लिया इन्होंने, और ये हो गया। चलो बोलो, मुस्कान समझ में आया? आमिन क्लियर है? यस सर, यस सर। हाँ, तो ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती है ना, ये चीज़ें करो, मतलब आपकी अच्छी प्रैक्टिस है ये कह सकता हूँ मैं। तो ये प्रैक्टिस से जल्दी जल्दी की, मतलब इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव का नज़रिया, कि आप कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन कैसे कर रहे हो। यहाँ पे ये डिपेंड नहीं करता कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि आप कितने नॉलेजेबल हो, वहाँ पे तो टाइमिंग मायने बनाए रहो खूब नॉलेज, ठीक ना। पास होकर के कोई वो निकल जाएगा फुस्सी बम, जिसको नॉलेज कुछ नहीं है मगर जिसकी टाइमिंग खतरनाक है ना, वो आपको मात दे देगा। चलिए खैर, तो अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग अपने मन से, फिर मैं देता हूँ एक और क्वेश्चन। सो क्या है ये, अपने पास फंक्शन दिया हुआ है, इफ़ एक्स इक्वल टू फाइव टी वाई इक्वल टू साइन टी देन डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट किया पहले मैंने, ओके, फाइव टी साइन टी, फाइव का डिफरेंशिएशन फाइव डी एस टी, साइन का डिफरेंशिएशन साइन डी एस टी, डी बाई डी एक्स इक्वल टू साइड एस टी अपन फाइव डी एस टी, ये हो गया। नाउ डबल डेरिवेटिव के लिए क्या किया मैंने, डी बाई डी एक्स ऑफ जो डी एक्स बाई डी टी आया, तो डी एक्स बाई डी टी मेरे पास कितना आया बेटा, साइड एस टी अपॉन फाइव टी। तो कैसे करेंगे इसको, अभी ये चेन रूल लगेगा, तो डी बाई डी एक्स बन जाएगा डी बाई डी टी साइड एस टी अपॉन फाइव एस टी, और बाहर आएगा डी टी बाई डी एक्स। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे टी मैंने लिया, तो टी वापस करना पड़ेगा। नाउ डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये कर दिया, और मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी एक्स, ये पंच था यहाँ पे। डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू आपको निकलनी पड़ेगी फाइड एस टी, वन अपॉन फाइड एस टी। कैसे? देखो, डी एक्स बाई डी टी आपने निकाला था साइड एस टी, सॉरी ये निकला है फाइड एस फाइव टी, ये डी टी बाई डी एक्स अपना निकला है फाइड एस टी। तो इसको उल्टा कर दोगे तो डी डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा, है ना। तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन अपॉन फाइड एस टी। तो बस वैल्यू रख दी, तो देखो आंसर आपका आ गया, बस फाइव, यहाँ लिख दिया फाइव डबल डैश, यहाँ लिख दिया साइन का डबल डैश, यहाँ साइन का डैश और फाई का डबल डैश और फाई का होल क्यूब, क्योंकि ये भी फाई डैश है, ये भी फाई डैश है, फाई का होल क्यूब। बोलो आ गया समझ में? एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर सी। नो 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 नो, इट इज ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन है, चेक कर लो। आई मीन क्लियर? नाउ इट इज क्लियर? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूव करें आगे कि लिख रही हो? सर लिख लिया। लिख लो, चलो। ओके, तो ये आपके पास क्वेश्चन है, देखिए, वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स का स्क्वायर, वन प्लस एक्स की पावर फोर, डॉट 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 डॉट, वन प्लस एक्स की पावर टू की पावर एन, ओके, टू की पावर एन। अब ये सीरीज बन रही है, कह रहा है इसका डेरिवेटिव निकालो x इक्वल टू जीरो पर। तो क्या देखने में लग रहा है कि यार कितने फंक्शंस हैं आपके पास मल्टीप्लाई में? देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो मल्टीप्लाई में आपके पास कितने फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, अगर काउंट करने के ऊपर जाओ
टाइम पास करें काउंट करने का। देखो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 4, ये 2 की पावर n है, मतलब n टर्म तो यहाँ से हो गए काउंट करोगे तो, और ये है n+1, n+1 है। तो अब हमको कह रहा है कि इसका डेरिवेटिव निकालो, तो चलो पहले तो इसको सीरीज को देखो, y=1+x² + x², ये क्या है इसका, ये लास्ट टर्म है, ये इसका लास्ट टर्म मतलब nth टर्म है, ये सीरीज का nth टर्म है। तो ज़रा देखो थोड़ा सा कुछ और चीज़ें सिखा दो ना साथ साथ में, APGP वगैरह कुछ सीरीज पढ़ना। ये 1+x² / 2 की पावर n है, ओके। तो यहाँ पर ये सीरीज जो स्टार्ट हो रही है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, n की वैल्यू 0 से, ये जो सीरीज स्टार्ट हो रही है वो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है। डाल करके देखो n की वैल्यू 0, n = 0 डालने पर तुम्हारे पास क्या बनेगा, 1+x² / 2 की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1। तो पहला टर्म तुम्हारे पास जो निकल करके आ रहा है बच्चों, वो क्या निकल करके आ रहा है तुम्हारे पास, पहला टर्म आ रहा है 1+x² / 1, मतलब 1+x ही होगा। अब n = 1 डाल करके देखो, तो 1+x² / 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 तो 2 ही होता है, तो दूसरा टर्म आ गया 1+x². n = 2 डाल करके देखो, n = 2, तो 1+x, n की वैल्यू 2, तो 2 की पावर 2 यानी 4, तो ये तीसरा टर्म आ गया 4। अभी हमसे क्या कह रहे हैं, इसका डेरिवेटिव निकालो। देखो बच्चों ये n है, जब क्वेश्चन सीधा सीधा 4 ऑप्शन दे रहा है, मतलब क्वेश्चन सीधा सीधा नंबर में बोल रहा है, इसका मतलब ये जो है सीरीज़ के किसी भी n की वैल्यू के लिए आप इसको सॉल्व कर सकते हो, n की किसी भी वैल्यू के लिए आप इस सीरीज़ को सॉल्व कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, हम शुरू के 2 टर्म पर खेलते हैं बस, आइए तो 2 टर्म पर खेलते हैं अपन, तो केवल 2 टर्म ले लो, तो 1+x और 1+x², क्योंकि जो होगा सबके साथ होगा, जो भी होना हो सबके साथ होना है। चलो करो डिफरेंशिएट, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो 1 1 × 1 कितना हो गया जी, 1 1 × x² प्लस कितना x और प्लस कितना x³। चलिए dy/dx कर दो, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x² का हो गया 2x, x का हो गया 1, ये बोला था मैं ऑनलाइन, यस बेटा, और x³ का हो गया 3x², बोलो आई मीन क्लियर यहाँ तक, सर स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा, स्क्रीन प्रेजेंट है क्यों मुस्कान, स्क्रीन दिख रही ना सर, नहीं दिख रही है स्क्रीन, नहीं दिख रही है, नो सर, एक मिनट, हाँ ये बेटा थोड़ा सा नेटवर्क स्लो हुआ है, रुक जाओ थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, एकदम से नेटवर्क डाउन हुआ, देखो ओके तो देखिए मैं ये कह रहा था शुरू के 2 टर्म ले लो आप, 1+x ले लो, 1+x² ले लो, तो 1+x 1+x² तो मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 1 हुआ, 1 के साथ x², फिर x + x³ हो गया, डिफरेंशिएट कर दिया, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x² का 2x, x का 1 और x³ का 3x², और अब क्या करें भाई, अब तो एक ही काम बाकी है x की वैल्यू 0 रखने का, क्योंकि क्वेश्चन ने कह रखा है कि हमें जो चाहिए वैल्यू x = 0 पर चाहिए, तो 0 2 0 जा 0, 1 तो 1 ही रहेगा और आंसर 0, तो बेटा आंसर कितना आएगा इसका, 1। बोलो क्लियर है, बोलो आमीन क्लियर है, यस सर, हाँ, सो आंसर = 1। अब आप चाहें तो कितने भी टर्म्स लेकर के देख सकते हैं बेटा, आप चाहें तो और ज्यादा टर्म्स लेके देख लो, ये आंसर 1 ही आएगा हर बार, ओके। तो ये प्योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, क्लियर हुआ मुस्कान, क्लियर हो गया क्वेश्चन, प्योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एन की किसी वैल्यू के लिए आप इसको करके सॉल्व कर सकते हो, है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एन की किसी वैल्यू के लिए सॉल्व हो सकता है। नोट कर रहे हो, आगे बढ़े, यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन आपने भेजा है, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपने जो भेजा है वो तो भाई बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और शायद एनसीईआरटी में इस टाइप का है, या शायद यही हो, मुझे याद नहीं आ रहा है, देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन दिया आपने कि 2 to the power x प्लस 2 to the power y इक्वल टू 2 to the power x प्लस y है. ओके तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू बताना है कि डी वाई डी एक्स क्या होगा. 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y इक्वल टू 2 to the power x प्लस y. यार देखो बच्चों एक चीज फील करो कि जो डी वाई डी एक्स चारों ऑप्शन आपने दिए हैं यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए हैं वो पूरे x और y में हैं. तो मैं क्या करूँ इसको करने के लिए, चलो सीधे खेलते हैं इसके साथ. देखो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, डी वाई डी एक्स ऑफ a की पावर x इक्वल टू होता है a की पावर x log a. ये तो पता होगा ना सभी लोगों को, ठीक है ना, a की पावर x log a. ठीक है तो 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y, चलो लगा दो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड. लॉग लग नहीं सकता क्योंकि लॉग पावर में नहीं लगेगा. मुस्कान मिल रही आवाज मेरी? यस सर आ रही आवाज. ओके दिख रही स्क्रीन? यस सर. ओके डी बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर x प्लस y. देखना ध्यान से, देखो 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2 की पावर x log 2 हो जाएगा. 2 की पावर y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 की पावर y log 2 होगा और साथ में dy by dx भी होगा क्योंकि ये y है ये x नहीं है, तो इसको t लेके करना पड़ेगा तो 2 की पावर t log 2 बनेगा और t की जगह फिर dt by dx, तो dt की जगह y पुट करोगे तो ये आ जाएगा. और ये क्या बनेगा ध्यान से देखो, ये बनेगा 2 की पावर x प्लस y log 2 और फिर x का डिफरेंशिएशन होगा 1 और y का बनेगा dy by dx. बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये टर्म आया कि नहीं आया समझ में? बोल दो. यस सर. हाँ चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये समझ में आ गया, मतलब काफ़ी चीज़ें क्लियर हैं आपको. चलो अब देखो इसको फोड़ दो तो यार log 2 हटाओ तो कॉमन लेके काटा कूटा ख़त्म करो, log 2 को रोल ही नहीं है उसका, दोनों तरफ से कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y डी वाई बाई डी एक्स, अब इसी को माजरा इसी का है. देखो बच्चों 2 की पावर x प्लस y बेस सेम, पावर एड बेस सेम, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y ब्रैकेट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स. ओके एक स्टेप और, एक स्टेप और बस, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 की पावर x प्लस y कर लो, करना है तो नहीं तो मत करो, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y प्लस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y और साथ में डी वाई बाई डी एक्स. चलिए यही था, ये स्टेप था, इसी के लिए मैं रुका हुआ था. चलो भाई ठीक है इसको लेके चलते हैं आगे. तो अब देखिए क्या करेंगे यार, ये है 2 की पावर x, ये इसको बुलाओ इधर, चला आ जा बाबू, ये 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y इधर आ गया और यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है 2 की पावर x 2 की पावर y डी वाई बाई डी एक्स, इसको यहाँ उड़ा के लेके आओ राइट में, तो माइनस 2 की पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स. चलो 2 की पावर x कॉमन ले लो, कितना आ गया 1 माइनस 2 की पावर y. यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है भाई, और क्या कॉमन है, 2 की पावर y भी है कॉमन, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है और चलो रहन दो अंदर, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y माइनस 2 की पावर y, ये रहन दो, चलो सब कुछ ठीक है. तो बच्चों डी वाई डी एक्स को रोक लो इधर, आंसर आ गया आपका, तैयार है आंसर, डी वाई डी एक्स इक्वल टू 2 की पावर x 1 माइनस 2 की पावर y होल डिवाइडेड बाई 2 की पावर x 2 की पावर y माइनस 2 की पावर y. बट आपका आंसर ये नहीं दिख रहा ऑप्शन में, थोड़ा इन लोगों ने जुगाड़ और क्या लगाया है देखिए जरा, कुछ ज़्यादा खास नहीं है. डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ऊपर बैठे रहें तो जो है सो है, ऊपर वाले से कोई लड़ाई नहीं, बिल्कुल बहुत प्यारा फंक्शन है ऊपर. नीचे देखो 2 की पावर y कॉमन आ रहा है भाई, कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन, 2 की पावर y कॉमन ले लिया तो आगे क्या बच गया, 2 की पावर x और पीछे बच गया 1, तो फिर लग गया अगर बेस सेम हो डिवीज़न में तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है,
तो ये दोनों एक्स और वाई को मर्ज कर दो तो ऊपर बन जाएगा 2 की पावर x माइनस वाई, और ये है आपका ऑप्शन वाला आंसर। आमिन मैच करो, ऑप्शन है कि नहीं कर रहे हैं मैच? बी ऑप्शन देखो, 2 की पावर x माइनस वाई, बी ऑप्शन है कि नहीं है? माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों से कॉमन लेके काट दिया, मतलब इसमें भी खुराफात करी है इसने। आहा, मतलब कितना परेशान कर रहे हैं बच्चों को, ऊपर से माइनस कॉमन लेके नीचे से माइनस कॉमन लेके काट दिया, तो 2 की पावर y माइनस 1, 1 माइनस 2 की पावर x, मतलब अंत तक चांस नहीं छोड़ रहे हैं। लास्ट वाला ऑप्शन दे रखा नन ऑफ दीज, कि बच्चे नन ऑफ दीज मार के आ जाए इतनी मेहनत करने के बाद भी। तो ठीक है, माइनस कॉमन लेकर के कैंसिल कर दिया माइनस, डन डन, आया समझ में? Yes, चलो, मुस्कान कहाँ चली गई थी बेटा? सर वो नेटवर्क इशू हो गया था इस वजह से। चलो देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से, बोलो क्या प्रॉब्लम है? सर अभी अभी कटा हुआ, मतलब अभी भी लीव हुई थी क्लास। आ गया समझ में? हाँ सर आ गया सर। ठीक है,